Hello everyone. Thank you for subscribing to the Awami Workers Party Islamabad channel, and thank you for joining. जैसे आपको पता है कि हम एक unprecedented period से इस वक्त गुजर रहे हैं, और Awami Workers Party Islamabad तो study circles काफी regularly करती रहती है, और हम इस काम में engaged होते रहते हैं कि जरा knowledge production हो, लोगों को करंट मसाइल के बारे में बात करने का मौका मिला है. अनफॉर्चुनेटली जिस तरह की कंडीशंस इस वक्त डेवलप हुई हैं बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस पैंडेमिक, तो इसकी वजह से ह्यूमन इंटरेक्शन तो बेसिकली कुछ वक्त के लिए एक इम्पॉसिबिलिटी हो चुकी है. तो हमने सोचा कि क्यों ना जिस टेक्नोलॉजी की हम हमेशा बात करते रहते हैं उसका इस्तेमाल करें. इसलिए हमने आज डॉक्टर तूबा सैयद और डॉक्टर आसिम सज्जाद को ऑनलाइन लिया है, और कोशिश करेंगे आज हम के ज़रा इस फाउंडेशनल चेंज जो है उसके बारे में बात कर सकें. तो आज मेरी कोशिश होगी कि मैं ये ज़रा फैसिलिटेट करूं डिस्कशन, और शुरू में हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस की वजह से आजकल क्या चेंजेस हैं जो ग्लोबल इकोनमी में आ रही हैं, जो ह्यूमन इंटरेक्शंस में आ रही हैं, जो आ चुकी हैं, आ रही हैं, और जो इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा. और उसके बाद हम होपफुली बात करेंगे थोड़ी सी टेक्नोलॉजी के बारे में, एंड टेक्नोलॉजी का इस पे क्या रोल है, गवर्नमेंट्स का क्या रोल रहा है टेक्नोलॉजी के साथ, स्पेशली बिग टेक कंपनीज का ऐसे पैंडेमिक में जो एक ग्लोबल ग्लोबल सतह का है उसमें टेक कंपनीज का क्या रोल होगा. तो करंट अपडेट तो ऐसी है क्योंकि बहुत ही की फ्लूइड सिचुएशन है, पूरे मुल्क शटडाउन हो चुके हैं, इकोनॉमी हॉल्ट पे आ चुकी है. तो 1.2 मिलियन केसेस इस वक्त हैं कोरोना वायरस के वर्ल्ड वाइड 183 कंट्रीज में एज ऑफ नाउ. इसका एक और जो फाउंडेशनल इम्पैक्ट रहा है वो ये है कि जहां ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ प्रोजेक्टेड थी समथिंग लाइक 3.3%, उन सब की ग्रोथ अब 0% तक आ रही है. यूएस इकोनॉमी जहाँ है जो वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी, उनकी भी दैट इकोनॉमी इज कॉन्ट्रैक्टिंग. जॉब लॉस एक हाई रेट पे चल रहा है. इवन इफ यू लुक एट पाकिस्तान, जॉब लॉस एक अनप्रेसिडेंट लेवल्स पे आ गया है, और पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग एक्टिविस्ट की यही रही है एक डिमांड कि जो वर्कर्स हैं वर्कर्स के राइट्स प्रोटेक्ट किए जाएं. और स्पेशली फॉर अवामी वर्कर्स पार्टी एक मेजर कंसर्न रहा है कि इन वर्कर्स की राइट्स कैसे प्रोटेक्ट होंगी, इनकी जॉब्स कैसे प्रोटेक्ट होंगी, और इनके घर जो राशन जाएगा जिससे ये सर्वाइव करेंगे वो हुकूमत इनको कैसे देगी, इनको फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे मिलेगी. तो बातें तो बहुत करने की हैं, लेकिन ऑब्वियसली एक छोटा लेक्चर होगा हमारी, हम सब कुछ तो हम हर चीज़ के बारे में बात नहीं कर सकेंगे, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम इन चीज़ों पे भी ज़रा टच अपॉन करें. तो आई वुड लाइक टू फर्स्टली थैंक डॉक्टर आसिम सज्जाद एंड डॉक्टर तूबा सैयद फॉर जॉइनिंग अस टुडे. तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर आसिम ज़रा इस पर शुरू करें, हमें थोड़ा अपना पर्सपेक्टिव बताएं ऑन दिस पैंडेमिक, ऑन इट्स इम्पैक्ट इन पाकिस्तान एंड पर्टिकुलरली इन यूरोप एंड इट्स ग्लोबल इम्पैक्ट एज वेल. शुक्रिया शाज़िब. देखें, मेरा ख्याल है कि अब हम सब जो सुनने वाले हैं, जो जो नहीं भी सुन रहे बेशतर लोग दुनिया के, वो इसकी लपेट में आ चुके हैं. तो अब इसके बारे में मजीद इसके पूरे पस मंजर में जाने की जरूरत तो नहीं है. मैं ये जरूर कहूंगा कि जो मेरे नज़दीक सबसे अहम बात है इस वक्त वो ये है कि ये एक ऐसा बहरान, इसको कहा जा रहा है एक आलमी बहरान कहा जा रहा है. दरअसल हमारे जैसे मुल्क, हमारे जैसे समाज मुस्तकिल इस तरह के बहरानों से गुजरते रहते हैं, और इस बार जो फर्क है वो ये है कि जिस दुनिया का वो हिस्सा जिसको तरक्की याफ्ता कहा जाता है, जो कि अमूमी तौर पे कम अज कम दूसरे जंग अजीम के बाद जो अपने बारे में भी ये तसव्वुर करते रहे, और है भी इसी तरह के, वो एक पुरअमन जिंदगी और मतलब समाज का एक बेशतर हिस्सा, वो मतलब बुनियादी सहूलियात भी उसको मयसर होते हैं, और
ایک عمومی یعنی کہ سماجی امن قائم ہے, وہاں پہ بھی بالکل افراتفری مچ چکی ہے. تو عالمی بحران اب جس کو جو کہا جاتا ہے, تو مجھے کبھی کوفت بھی آتی ہے کیونکہ ہمارے جیسے ملک تو اس طرح کے بحرانوں سے صبح شام گزرتے رہتے ہیں. کبھی جنگیں ہوتی ہیں, کبھی قدرتی آفات آتے ہیں. اب مزدوروں کی بات ہوئی, محنت کشوں کی بات ہوئی, اس بحران نے واضح کر دیا. یورپ میں, امریکہ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ ایکس وائی زیڈ ارب پاؤنڈز یا 2 خرب ڈالر کا پیکج دے کے آپ کچھ ریلیف دے سکتے ہیں. ہمارے ہاں تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کیسے ریلیف پہنچائیں گے کیسے لوگوں کو. بیشتر جو محنت کش ہیں ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے, وہ کسی ایک جگہ میں ٹھہرتے نہیں ہیں. یعنی کہ ہندوستان میں جو فگر آ رہا ہے کہ 14 کروڑ محنت کش ایسے ہیں صرف جو مائگرنٹس ہیں, تو آپ ان کو کیسے ان تک رسائی کریں گے. تو یہ جو بحران ہے جو عالمی ہے, جو پوری دنیا کو لپیٹ میں لے رہا ہے, اور جو اگر مزید میں بالکل ٹھوس کہوں, جو کہ امیروں کو طاقتوروں کو بھی جھنجھوڑ رہا ہے, یہ ایک ایسا بحران ہے جس سے عام لوگ, عام مطلب محنت کش لوگ, گھروں میں کام کرنے والی عورتیں, جنگ زدہ علاقے کی قومیں, وہ روز ایسے بحرانوں سے گزرتے رہتے ہیں. اور اس بحران میں بھی یہ ہوگا کہ گو کہ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ بحران ہے, اور بڑے بڑے مگرمچھ بھی کہہ رہے ہیں کہ بحران ہے, لیکن اس کا دولت تو کبھی آج تک ٹرکل ڈاؤن نہیں کی, لیکن بحران, یہ والا بحران بھی ٹرکل ڈاؤن کیا ابھی بہت بڑے ایک سیلاب کے طور پر آ چکا ہے نیچے تک, اور اس کا بوجھ بھی عوام اٹھائیں گے. ہاں, اس میں, اس المیے میں, اس ٹریجڈی میں سے یہ ایک ضرور ہمارے جیسے لوگوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ جہاں ایسے بحران پہلے بھی آئے ہیں, مثلاً آج سے 10-12 سال پہلے ایک جس کو گریٹ فائنینشل کرائسس کہا جاتا ہے, مطلب ایک بحران آئے, لیکن اس طرح کبھی بھی نہیں ہوا کہ سب کچھ بند ہو جائے, کہ جہاز چلنا بند ہو جائیں, معیشتیں بالکل ٹھپ ہو جائیں. یعنی کہ جس نیچ پر اب بات, ابھی تو آپ نے جو اعداد و شمار کچھ بتایا نا کہ نوکریوں کا کیا ہوگا, ابھی تو شروعات ہے, ابھی تو ہمیں پتہ بھی نہیں کہ اس کے اثرات کتنے گہرے ہوں گے. تو جس سطح کا یہ ہے اور جس حد تک یہ ہوا ہے, اس سے کچھ ہمیں سوچنے کا, ہم تو سوچتے ہی رہتے ہیں, بہت سارے لوگ سوچتے رہتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ آج ایک بہت مطلب گہری نظر سے سوچنے کا ایک موقع مل رہا ہے کہ یہ کس طرح کا نظام ہے جس کے اندر یعنی کہ, اور اگر آپ اس کی شروعات دیکھیں, میں صرف اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک بیسکلی انڈسٹریل فارمنگ پریکٹسز کا نتیجہ تھا, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. 2002-03 میں سارز کا جو پہلا ایک وائرس تھا, وہ بھی انڈسٹریل فارمنگ پریکٹسز کی وجہ سے, یعنی کہ لائف سٹاک فارمنگ, کیٹل فارمنگ کی وجہ سے وہ وہاں سے شروع ہوا, اور رکا کیوں نہیں, پوری دنیا میں کیوں پھیلا, کیونکہ سرمایہ کے آمد و رفت کو روکنا, مطلب یعنی کہ ان حلقوں اور ان طبقات اور ان ریاستوں کے لیے ایک موت تصور کیا جاتا ہے جو کہ اس دولت اور منافع کی دنیا کو چلاتے ہیں, لیکن اب ان کو روکنا پڑ رہا ہے اور روکنا پڑ چکا ہے کیونکہ معاملہ اتنا بگڑ چکا ہے, بڑھ چکا ہے. تو اب اس میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ اس سے کیا نکلے گا, کیا نتیجہ نکالا جا سکتا ہے. ظاہر ہے فوری طور پہ تو بندے کو یہی نظر آتا ہے کہ جو سفرنگ ہے, جو انسان ذات ایک تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہے, وہ تو ہے ہی ہے, اور اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ریاستوں کا کام ہے کہ وہ فلاح و بہبود کریں, وہ کوئی ضرورت مندوں کو تکلیف دور کریں, بجائے اس کے ہمارے ہاں تو روز ایسے واقعات ہوتے ہیں. آج کوئٹہ میں پوری دنیا کہہ رہی ہے ڈاکٹرز اور نرسز جو ہے نا سب سے اہم ہیں اس وقت, ڈاکٹرز اور نرسز کو ہم گرفتار کر رہے ہیں. تو ہمارے ہاں بیسکلی یہ بحران صرف ان حقیقتوں کو مزید واضح کر دیتا ہے جس سے ہم روز گزرتے ہیں. اور اب سوال یہ کہ سوچنے سمجھنے والے اس نظام کے شکار لوگ اب کیا, جب بھی کبھی کوئی سو ٹو اسپیک نارمل بحال ہوگا, کیا وہ ہوگا, کیسے ہوگا, کیا ہم اسی کو بحال کرنا چاہتے ہیں جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے, یا کچھ ہم نیا بنانا چاہتے ہیں؟ Absolutely. Thank you so much, Dr. Aasim. اصل میں آئی تھنک یو ٹچڈ اپون سم تھنگ. یہ جو اس کی پوری ڈسکشن کی, مجھے لگتا ہے لوگوں کے لیے آسان ہوگا کنیکٹ کرنا, وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ خاص کر بہت یہ بات چل رہی ہے کہ کب چیزیں واپس نارمل کی طرف جائیں گی.
और जो हमारे लिए अब सवाल एक बन जाता है कि नॉर्मल है क्या? नॉर्मल ये है कि आपका हेल्थ केयर सिस्टम कंप्लीटली लाइक रेडी टू फॉल अपार्ट है. नॉर्मल ये है कि जब एक बड़ा सा क्राइसिस आता है तो वही लोग, जिस तरह आपने कहा, जो हमेशा सोसाइटी में सफर कर रहे हैं, उनको उनकी जॉब्स इनसिक्योरिटीज हैं, उनके दे डोंट हैव प्रॉपर वेजेस, डेली वेजेस हैं पर्टिकुलरली, वो वही कंटिन्यू, दे विल कंटिन्यू टू सफर. तो ये भी फिर हमारे लिए एक जरूरी चीज बन जाती है कि वी शुड अंडरस्टैंड कि व्हाट इज नॉर्मल एंड व्हाट डू वी वांट टू गो बैक टू. तो इसलिए जरूरी है कि हम इन चीजों पर बातें भी करते रहें. अब मैं जरा आना चाहूंगा डॉक्टर तूबा की तरफ, कि जरा हमें, क्योंकि तूबा यहाँ इस्लामाबाद में एंड आई बिलीव ऑल ओवर द कंट्री ऑर्गेनाइज भी करती रही हैं ऑन द ग्राउंड, पर्टिकुलरली फॉर हेल्थ वर्कर्स एंड फॉर डेली वेजर्स. और ऑब्वियसली मैं चाहूंगा कि वो इसके साथ साथ अपना थोड़ा एक पर्सपेक्टिव भी दें कि हाउ शी सीज दिस पेंडेमिक, हाउ इट अनफोल्डेड, और इसके क्या इम्पैक्ट होगा रीजनली एंड एज वेल एज ऑन पाकिस्तान. थैंक यू शाजेब. आई थिंक सबसे पहले तो जो चीज इधर देखने या समझने वाली है, वी डोंट हैव अ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम. वी डोंट हैव अ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम नॉट जस्ट एट द लेवल ऑफ द स्टेट बट ऑल्सो हाउ आर डॉक्टर्स आर टॉट, राइट? बिकॉज आई कम फ्रॉम अ मेडिकल बैकग्राउंड, आई एम अ डेंटिस्ट, विच पुट्स मी इन अ पोजिशन टू एनालाइज दिस. एंड मेरा जो इंटरेस्ट रहा है वो पब्लिक हेल्थ रहा है. तो इस वक्त जो एक बहुत बड़ी चीज हमारे सामने खुल के आ रही है वो ये भी है कि किस तरह से हमारा पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी लैक करता है और हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर भी लैक करती है. जहाँ हम ये देखने से आज तक कासिर थे कि फ्री हेल्थ केयर जरूरी क्यों है, और सोशियो इकोनॉमिक जो आपकी कंडीशन होती हैं, जो आपकी वर्किंग कंडीशन हैं, जिधर आप रह रहे हैं, आपका घर होना या ना होना, ये किस तरह कॉन्ट्रीब्यूट करता है टू पब्लिक हेल्थ. जो कि जनरली दिस इज समथिंग विच इज लॉस्ट ऑन आर हेल्थ मिनिस्ट्री, लॉस्ट ऑन आर हेल्थ इंस्टीट्यूशंस, आर हॉस्पिटल्स, आर डॉक्टर्स, आर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स. तो आई थिंक एक तो ये भी चीज़ है कि हमने कभी इस बारे में उस तरह से सोचा ही नहीं कि जो आपकी ज़िंदगी की हकीकतें हैं, ये जो हकायक हैं, जिस तरह से आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, वो किस तरह हमारी सेहत को अफेक्ट करती हैं. उसके साथ साथ जिस तरह से आज तक हमारे यहाँ डेमोक्रेसी का जो सिस्टम रहा है उसमें पार्टिसिपेश, उसमें से वोट करने को डेमोक्रेसी समझा जाता है, उसमें डिमांड करना जमहूरियत का हिस्सा नहीं समझा जाता. और ये डिमांड कि सेहत सबका बुनियादी हक है एंड राइट टू यू नो राइट टू हेल्थ इज राइट टू लाइफ, इसकी तो इमेजिनेशन ही कभी ना हमारी रियासत ने हमें दी और ना हमारे हेल्थ केयर सिस्टम ने हमें दी. तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी जो चीज़ हमारे सामने इसमें आ रही है वो ये है कि जिस तरह आसिम ने भी जिक्र किया कि हमें, हमारे पास, हमें तो अंदाजा ही नहीं है कि हम अगर राशन सप्लाईज, जो अभी हुकूमत भी कोशिश कर रही है और इंडिपेंडेंटली भी लोग कोशिश कर रहे हैं, जो खुद सिविलियंस अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहे हैं, उसमें भी हमें नजर आता है कि हमारे पास कोई तरीका नहीं है उन तक पहुंचने का. हमें पता ही नहीं है कि लोग कहाँ पर हैं और उनको कैसे पहुंचा जाए. जब ये शुरू भी हुआ पाकिस्तान के अंदर जो केसेस बढ़ने लगे, तो जो हमारे हेल्थ एडवाइजर का जिस तरह से रवैया था, डॉक्टर जफर मिर्जा जो हैं, जिस तरह का उनका रवैया था, लग नहीं रहा था कि वो खुद इस मसले को समझ सकते हैं. अभी तक हमारी गवर्नमेंट का जो रिस्पांस है वो इंस्टेड ऑफ यू नो अपनी लिमिटेशंस बताएं लोगों को और सिविक पार्टिसिपेशन को इनकरेज करें, वो उल्टा लोगों को कह रहे हैं कि आप पैनिक ना करें. तो ये मुझे लगता है कि ये मुमकिन है कि आप लोगों से पैनिक भी ना करवाएं और उसके साथ साथ आप उन्हें ये भी बताएं कि ये हमारी लिमिटेशंस हैं एंड दिस इज हाउ वी नीड टू डील विद इट. इंस्टेड हो ये रहा है कि जब हेल्थ केयर वर्कर्स पीपीई की डिमांड कर रहे हैं तो हम उन्हें मार के जेलों में लेके जा रहे हैं. और मुझे लगता है ये अभी तक कहीं और तो इस तरह नहीं हो रहा कि अरेस्ट करके किया जाए उन्हें. मतलब आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी सेहत की हिफाजत लोग वो डॉक्टर्स करेंगे जिनके पास खुद अपनी सेहत की हिफाजत का सामान इस वक्त मौजूद नहीं है. सो आई थिंक दिस इज द आयरनी ऑफ आवर स्टेट कि जहाँ हमारा पूरा का पूरा जो हम अभी भी एक पुलिस स्टेट की तरह ऑपरेट कर रहे हैं, हम अभी भी यही समझ रहे हैं कि लोगों को मारने से, चुप कराने से, बंद करने से ये मसाइल हल होंगे, इंस्टेड ऑफ रीथिंकिंग
कि यहाँ पे मसाइल किस किस्म के हैं और उनसे कैसे निपटा जा सकता है. इन टर्म्स ऑफ अभी तक कोई प्लान सामने नहीं आया गवर्नमेंट का कि वो किस तरह से स्लम्स में या कच्ची आबादियों में इसके फैलाव को रोकेंगे. एसेंशियली मुझे तो लगता है कि होना ये चाहिए था कि एक पब्लिक यू नो डिस इंफॉर्मेशन की डिसेमिनेशन होनी चाहिए थी, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से उस तरह से कोई खास काम हुआ नहीं है. ये कुछ पढ़े लिखे लोग जिनकी रसाई थी वो समझ गए कि क्या है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तानी हुकूमत ने कोई भी प्रिपरेशन की थी, कोई आगही मुहिम का आगाज किया होगा या कुछ भी इस तरह का नहीं हुआ और अभी तक नहीं हुआ. तो बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं है कि, और जहाँ पे सोशल आइसोलेशन या घर के अंदर खुद को आइसोलेट करना ही मुमकिन नहीं है, वहां पे आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लोग अपने घरों में खुद ही रह के खुद को महफूज करेंगे, खासतौर पे जो हमारी बड़ी बहुत बड़ी अर्बन पॉपुलेशन का हिस्सा जो कच्ची आबादियों में रहता है. तो मुझे लगता है कि बहुत इस वक्त चाहिए कि मिल बैठ के इन मसलों पर बात की जाए और बिल्कुल भी इसमें जो एक्टिविस्ट हैं, जो लोग ग्राउंड पे सियासत करते हैं और इन इलाकों को बहुत बेहतर समझते हैं परहैप्स एज कम्पेयर टू आवर ओन गवर्नमेंट्स और आवर पॉलिटिकल लीडर्स, उनसे भी किसी किस्म की ना तो बात की जा रही है और ना कोई इकट्ठा इस तरह का निज़ाम बनाया जा रहा है. कुछ मुल्कों में इस तरह हुआ है, ताइवान के अंदर फॉर एग्जाम्पल बहुत सारा काम इसी तरह से हुआ है कि उन्होंने लोगों को शामिल किया है गवर्नमेंट कैंप के साथ, इंक्लूडिंग द एक्टिविस्ट, इंक्लूडिंग द मिनिस्टर्स, इंक्लूडिंग द पीपल हु आर वर्किंग इन द टेक्नोलॉजी, के मिलके वो इस पे काम करें. हमारा रवैया अभी भी एक सिक्योरिटी और पुलिस स्टेट वाला है, विच इज समथिंग जो कि बहुत एक वरीइंग चीज है इस पॉइंट पे. थैंक यू सो मच तूबा, एंड स्पेशली आपने, क्योंकि आखिर में इसका एक लाइक एलिमेंट आप रीजनल भी लाई, एक लाइक टेक्नोलॉजी फोकस भी, तो होपफुली हम उसकी तरफ भी जल्दी आएंगे. मैं बस एक चीज कहना चाहता हूँ, पहली बात जो सारे ट्यून इन इस वक्त कर रहे हैं लाइव, कुछ लोग इसको बाद में देखेंगे, जो लाइव ट्यून इन कर रहे हैं आपका बहुत शुक्रिया. आपके कॉमेंट्स भी मैं देख रहा हूँ और कुछ लोगों के कुछ सवाल भी आ रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे उन सवालों को भी एड्रेस करें और प्लीज कीप कमेंटिंग. तो गोइंग फ्रॉम जहां से तूबा ने ये डिस्कशन शुरू की कि एक सॉर्ट ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम के पाकिस्तानी गवर्नमेंट का क्या रिस्पांस रहा है और किस तरह वो सॉर्ट ऑफ इंगेजिंग भी नहीं रहा और उसमें इंफॉर्मेशन की एक लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, और पर्टिकुलरली आसिम ने भी बात की जो आज डॉक्टर्स को क्वेटा में एड्रेस किया गया. बट डॉक्टर आसिम, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा और मुझे जो लगता है, जो मुझे एक सॉर्ट ऑफ फीलिंग आई है इस पूरे क्राइसिस के थ्रू आउट, वो ये है कि लोगों की इन जो गवर्नमेंट्स की इनएफिशिएंसीज हैं वर्ल्ड वाइड, वो लोगों के लिए काफी मैनिफेस्ट हो गई हैं. सो आई थिंक ये जो जहां तक पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हम कहते हैं कि गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स लेट्स से स्लो रहा या उनकी प्रेफरेंस रही कि वो लोगों को ना बताएं कि एक्चुअली हालात कितने बुरे हो सकते हैं या हैं, बल्कि लोगों को कहें कि आप जरा टेंशन ना लें, आप पैनिक में ना आए, तो ये काफी मुल्कों ने ये पॉलिसी अडॉप्ट की. अमेरिका स्पेसिफिकली वहाँ ये पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट की. अगर आप यूनाइटेड किंगडम का देखें, वहाँ तो उनके प्राइम मिनिस्टर अनफॉर्चुनेटली इस वक्त अस्पताल में एडमिटेड हैं, जबकि शुरू में उन्होंने बिल्कुल डिसमिस किया इस वायरस को. तो लोगों के ग्लोबली एक तरह से मुझे जो महसूस हुआ कि लोगों का गवर्नमेंट इंटरवेंशन की तरफ ज्यादा फोकस था, वो चाहते थे कि गवर्नमेंट ज्यादा करे, और इस वजह से शायद आप इस पे कमेंट भी कर सकते हैं कि उनका गवर्नमेंट को जरा लीवे भी मिल गई कि आप अपनी पावर्स इस्तेमाल करें. आपके पास अगर कोई अथॉरिटेरियन पावर्स हैं तो इस बार जरा ज्यादा रूम था उनको यूटिलाइज करने का. इसी वजह से कुछ सिचुएशंस में, जैसे तूबा ने कहा ताइवान में, तो कोलैबोरेटिव यूज था ऑफ दिस पावर और वो टेक बेस्ड था, बट इन सर्टेन सिनेरियोस ये यूज कोलैबोरेटिव नहीं होगा और पर्टिकुलरली इसके कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होंगे. तो आप थोड़ा इस पे, इस ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट पे टच अपॉन कर सकते हैं? आई थिंक होता ये कि जब इस तरह की सूरताल पैदा होती है, जब बहुत ही बौरानी कैफियत होती है, तो जो आपकी तारीख में, मुल्कों में, समाज में और फिर दुनिया में जो तजादात होते हैं, जो छुपे होते हैं किसी हद तक, या किसी एक
ان خطوں اور ان علاقوں اور ان جگہوں تک محدود رہتے ہیں جیسے توبہ نے بتایا نا کہ کچی آبادیوں تک ہم غریب کو اور گندے نالے کو محدود کر سکتے ہیں یا جنگ کو سابقہ فاٹا یا بلوچستان میں دور ایک دراز علاقے کی حد تک ہم اس کو اپنی امیجنیشن سے دور کر سکتے ہیں. تو ہوتا یہ کہ سب کچھ پھر آپ کو آ کر منہ پہ لگتا ہے, وہ لوگ بھی جو عموماً مطلب کمفرٹیبل زندگی گزارتے ہیں. تو اب یہ اس کے اندر بھی ایک اب تضاد نظر آ رہا ہے. ایک طرف ہم اس چیز پر سوچنے پر مجبور ہیں کہ جو پچھلے 30-40 سال میں دنیا میں اور خاص طور پہ اگر نوجوان کو سوچا اس کے بارے میں سوچا جائے کہ نوجوان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنی انفرادی محنت سے ترقی کر سکتے ہیں, اور ساتھ میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ حکومت کو زیادہ دخل نہیں دینا چاہیے معیشت میں, اور حکومت ایک مطلب بیوروکریٹک چیز ہوتی ہے, فضول چیز ہوتی ہے سرکار یا ریاست, جو کہ ٹھیک بھی ہے, ٹھیک اس لحاظ سے ہے کہ وہ ہماری جیسی ریاستیں ہیں بھی ایسی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے, ہم تو اس کو ایسے سمجھتے ہیں, اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ریاست کا کوئی فلاحی کام ہونا ہی نہیں چاہیے. لیکن ہمارے ہاں تو ہم ہر ایک ایسی مطلب بائنری بنا دی جاتی ہے کہ آپ خود اپنے آپ کو سنبھالیں, ترقی کریں, محنت کریں, آگے بڑھیں, اور سرکار بس رستہ ہموار کرے اور اس کا کوئی کام نہ. اب ایسے موقعوں پہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تو ایک بالکل ہی تباہی والی بات ہے. اور جیسے میں نے کہا شروع میں کہ ہمارے ہاں تو یہ نظر آتا ہی آتا ہے, لیکن اگر برطانیہ اور امریکہ میں نظر آنا شروع ہو جائے تو آپ سمجھ لیں کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ نظام کا مسئلہ ہے, کہ یہ جو تصور تھا کہ سرکار کا کوئی کام نہیں ہے صحت فراہم کرنا, تعلیم فراہم کرنا, کوئی کام نہیں ہے روزگار فراہم کرنا, رہائش فراہم کرنا, یہ بس آپ بازار میں جائیں, منڈی میں جائیں, جا کر اپنی محنت بیچ کے پیسے کمائیں اور یہ چیزیں خریدیں. اور یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اب آپ مطلب وائرس کے سے نبٹنے کے لیے آپ ویکسین نہیں خرید سکتے, آپ وینٹیلیٹر نہیں خرید سکتے, آپ مطلب آپ پرسنل پروٹیکشن کی اکوپمنٹ بھی نہیں دے سکتے. تو ایک تو یہ تضاد ظاہر ہو رہا ہے, اس سے کیا نتیجہ نکل رہا ہے کہ لوگ اب پھر پریشان ہو کر کہہ رہے ہیں کہ بس کچھ کرو, کچھ کرو, فوراً کرو, سنبھالو مسئلے کو. اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ اب سنبھالنے والی بات پہ پھر وہ والا سوال آ جاتا ہے جو ابھی رکھا گیا کہ اگر سنبھالنے کی بات ہے تو جیسے ہمارے یہاں خوفناک یا ہندوستان میں یا ہمارے جیسے ملکوں میں خوفناک جو مناظر آ رہے ہیں کہ پولیس والے جو ہے نا لاٹھیاں مار رہے ہیں ان لوگوں کو جو کہ باہر بھوک کے مارے نکل رہے ہیں, وہ ان کو کوئی شوق نہیں ہے کہ وہ بیمار ہو جائیں, ایک وائرس ان کو پڑ جائے اور وہ ان کی مطلب وہ اور اپنی. تو اب ہمیں ایک ایک مسئلے کو اپنی اپنی جگہ سمجھنا پڑے گا. ایک یہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہم واقعی اب اس تضاد میں سے ہمیں اس چیز کا احساس ہوا ہے کہ نہیں, کہ ہمیں ایک ہم کا تصور, مطلب صرف میں نہیں, ہم جو سماج ہوتا ہے, جو لوگ ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ جو محنت کرنے والے لوگ ہیں, جو سماج کو چلانے والے لوگ ہوتے ہیں, ان کے لیے یا ان کی فلاح کے لیے, ان کے کھانے کے لیے, ان کی رہائش کے لیے, ان کے روزگار کے لیے, ان کی صحت کے لیے, تعلیم کے لیے کوئی اجتماعی معاملہ, اجتماعی تصور یا اجتماعی کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے کہ نہیں. وہ ڈنڈے چلانے سے نہیں ہوگا, وہ بم اور توپ بنانے سے نہیں ہوگا, وہ ایٹم بم رکھنے سے نہیں ہوگا, وہ ایک دور رس حکمت عملی کے تحت کہ آج ہم تعلیم پہ خرچ کریں گے, صحت پہ خرچ. توبہ نے کہا نا کہ ہماری پبلک ہیلتھ انفراسٹرکچر نہ ہونے کی برابر کے برابر, اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آج نہیں ہے, 70 سال سے نہیں ہے, یعنی کہ ہمارے جیسے ملکوں میں تو شروع دن سے نہیں ہے. مغرب میں فرق صرف اتنا ہے نا کہ مغرب میں آج سے 30-40 سال پہلے تک انہوں نے بہت زیادہ وسائل مختص کیے تھے تعلیم, صحت, روزگار, پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے. ان کو آج احساس ہو رہا ہے کہ ہم نے جو 40 سال پہلے اس سب کچھ کو منڈی کے حوالے کر دیا اور ریاست کو بس مطلب کہا کہ ریاست کا کوئی کام نہیں ہے معیشت میں یا اس طرح کے شعبوں میں دخل دینے کا, سو ٹو اسپیک, سب کچھ مطلب ہے منافع کے ذریعے یا مارکیٹ فورسز کے ذریعے ہو, ان کو بھی احساس ہو رہا ہے کہ یار یہ تو غلطی. ہمارے یہاں تو کبھی ایسی ریاست تھی نہیں, ہمارے یہاں تو ریاست یہی تھی نا کہ جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ وہ سہولیات ہیں جو کہ عوام کی فلاح و بہبود اور ایسے موقعوں پر ضرورت ہے, اور جب عوام کچھ مانگتے ہیں جیسے ڈاکٹرز جو بظاہر بڑے معتبر ہیں تو ان کو کٹ پڑتی ہے, وہ جو کچھ مانگتا نہیں ہے جو بھوک کے مارے باہر نکلتا ہے اس کو کٹ پڑتی ہے. تو مقصد کہنے کا یہ, اس پر ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم
ان اس بحران سے ابھرنے والے جو تضاد ہیں اس کو ایک ایک کر کے سمجھیں. اگر ہم یہ چاہیں گے نا کہ سب کچھ جلدی سے ٹھیک ہو جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ نہ ہم اس کی بنیادی یعنی کہ اس کے اسباب سمجھیں گے کہ آج ہم اس کیفیت کا کیوں شکار ہیں, اور دوسرا ہمارے جیسے ملکوں میں جو خوفناک ایک ماضی رہا ہے کہ ہم پھر ان قوتوں کو ریاست کے ان اداروں کو جن کا کبھی احتساب نہ ہوا, جو کہ ہمیشہ بالا تر رہے ہیں یعنی کہ احتساب سے, جو ہمیں ملک کے مفاد کے بارے میں تو بتاتے رہے ہیں لیکن آج ہمیں نظر آتا ہے کہ ملک کے مفاد سے مراد عوام کے مفاد میں ہم نے کوئی چیزیں کی نہیں. اگر ہم کہیں کہ بس ان کے حوالے کر دو سب ٹھیک ہو جائے گا تو میرا خیال ہے اصل سوال یہ جو طوبا نے حوالہ دیا کہ یہ وہ وقت ہے کہ عوام کو خاص طور پہ نوجوان کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمیں تربیت ملی ہے یہ ساری چیزوں کی, ایک یہ کہ مفاد کیا ہوتا ہے ملکوں کا, ایک یہ کہ منڈی یا محنت کے اصل اصول کیا ہیں, ان ساری چیزوں پہ سوچا جائے. اور جب تک ہم خود کسی چیز میں انوالو نہیں ہوں گے, اب یہ ایک المیہ ہے کہ اس وقت جیسے طوبا نے کہا ہم چاہے جو جتنا مرضی کر لیں ہم ریاست کی کمی پوری نہیں کر سکتے, یہی تو اجتماعی معاملات یا اجتماعی مسئلوں کو کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسے ادارے بنائیں جو سب کے لیے کام کر سکیں. تو آج ہم جتنا کر سکتے ہیں, جتنا ہم رضا کرانہ طور پر نکل کر کوئی فلاح کر سکتے ہیں ضرور کرنی چاہیے, لیکن ہمیں اس سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم بے بس ہیں اور بس ریاست سب کچھ کرے. ریاست ضرور کرے لیکن ایسی ریاست جس کو بنانا بھی اور ادھر تک پہنچنا بھی اس میں ہمارا کام ہے. اگر ہم کہیں کہ یہ والی ریاست وہ کام کرے گی تو آج سے 70 سال گزر گئے آج تک تو نہیں کیا. ٹھیک, تھینک یو ڈاکٹر. نہیں, دس از کوائٹ ٹرو کہ اور یہ اوبیسلی ہم دیکھ بھی رہے ہیں. میں پرٹیکولرلی اگر آپ کو بتاؤں تو میں نے اتنا گراؤنڈ پہ کام ہونا لوگوں کے لیے جہاں, کیونکہ کانشیسنیس ہے کہ اس پینڈیمک کی وجہ سے جاب لاس بہت ہوا ہے اور لوگوں کے پاس گھر میں کھانا نہیں ہوگا, تو بہت بہت زیادہ کام ہوا ہے چاہے وہ پولیٹیکل نیچر کا ہو یا وہ نان پولیٹیکل ہو. بٹ آئی تھنک ایک اور چیز جو ہمیں ریکگنائز کرنے کی بہت ضرورت ہے اس کے, یہ پہلی بار ہر کسی کے لیے یہ فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس ہے, اور جیسے یہ کانٹرڈکشنز ریویل ہو رہی ہیں ٹو دا جنرل پاپولیشن اینڈ ٹو دا گورنمنٹ اور دا پاورز دیٹ بی, تو ان کو بھی اس کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے کوئی پرفیکٹ فارمولا نہیں پتا, اور دنیا بھر میں ایسا ہی ہے. اگر آپ دیکھیں جاپان میں فار ایگزامپل, ان کا رسپانس ریلیٹیولی بہت اچھا رہا لیکن ان کی بھی ایک معیشت جو ہے اس پہ یہ ایک بھاری بھاری اثر ہوگا, اور آج ان کے پرائم منسٹر نے ایک اکنامک $1 trillion اکنامک پیکیج کے بارے میں بھی بات کی. تو یہ ریکگنائز کرنا ضروری ہے مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹس کو بھی ہمیں ذرا ایک ایمپتھی کے ساتھ بھی آنا چاہیے, اور ایک ذرا پالیسی میکنگ لیول پہ بھی ہمیں سپورٹ ضرور کرنی چاہیے, بٹ اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایکسپیکٹیشنز جو بنیادی طور پہ ہماری ہم سے ہی ہونی چاہیے ایز اے انڈیویجولز اینڈ ایز آرگنائزیشن. میں چاہوں گا طوبا اگر اس پہ کچھ کامنٹ کرنا چاہیں تو ضرور کریں, بٹ اس ڈسکشن کو ہمیں تھوڑا آگے بھی موو کرنا ہے, اور اس پہ طوبا بھی کامنٹ کر سکتی ہیں. جو سوال بھی آیا کہ ایجوکیشن پہ اس کا جو امپیکٹ ہو رہا ہے, سو پرٹیکولرلی شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ہمیں ہماری ڈسکشن کے سیکنڈ پارٹ میں سلولی لے کے جا رہا ہے, دیٹ آف ٹیکنالوجی. تو ایجوکیشن کا گلوبلی ایک سارٹ آف پش آیا کہ آن لائن اس کو شفٹ کر دیا جائے, کیونکہ ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ ایجوکیشن بھی ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے, پرٹیکولرلی یونیورسٹیز جو ہیں یہ منی میکنگ انڈسٹری ہیں میسو, اور ان کے لیے بھی یہ جو ایک سارٹ آف دنیا رکنے کا عمل ہے اس کی وجہ سے بہت بڑا امپیکٹ ہوا ہے. تو انہوں نے لائیو اسٹریمنگ پلیٹفارمس پہ گئے جو اوبیسلی ان کے پہلے بھی کنسرنس تھیں, زوم فار ایگزامپل جو وہ فیس بک کے ساتھ ڈیٹا شیئر کرتے ہیں وداؤٹ کنسنٹ, لیکن اب تو وہ بالکل ہی کھل کے نکل آیا ہے, اور ان کے ہیکس بھی ہوئے ہیں اور ان کی پرائیویسی جو پروٹوکالز ہیں وہ کمپلیٹلی خود سے ہی کھل کے سامنے آ گئے ہیں, جو آئی گیس ایک ٹیکنالوجی کا سمپٹم ہی ہے کہ وہ کتنی جلدی آئیں. بٹ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے پرٹیکولر کانٹیکسٹ میں ہم نے جو دیکھا ہے کہ
एजुकेशन को ऑनलाइन शिफ्ट करने में हमने थोड़ा एक रिलक्टेंस शो किया और उसके अब अगेंस्ट एक मूवमेंट भी चल रही है, क्योंकि यहाँ लोगों के पास उस तरह का एक्सेस नहीं है टू रिसोर्सेज. और ऑब्वियसली ये भी हमें रिकग्नाइज करना चाहिए कि इस पूरे मुल्क के हर कोने में इंटरनेट की सहूलत नहीं है, और पूरी दुनिया में भी कहीं हर जगह इंटरनेट मौसूल नहीं होता आपको. इसका हमें तो ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, क्योंकि हमारे दोस्त हसन तूरी जो हैं उनको इंटरनेट की सहूलत नहीं मिल रही क्वार्टर में इस वक्त, तो शायद ये सवाल उनके लिए भी थोड़ा है. तो तूबा, कैन यू कमेंट ऑन द एजुकेशन एस्पेक्ट ऑफ इट एंड प्लस कम टू द टेक्नोलॉजी एंड हाउ दैट्स फ्रेमिंग आवर डिस्कशंस दीस टू. तूबा अपना स्पीकर ऑन कर लें प्लीज. Sorry about that. मैं यही कह रही थी कि जिस तरह आपने कहा है, खुद ही जिक्र किया कि इंटरनेट तो मौजूद ही नहीं है बहुत सी जगहों में, और उसकी वजह ये नहीं कि इंटरनेट वहां पे मौजूद हो नहीं सकता. उसकी वजह ये है कि रियासती शट डाउन है उन जगहों पे, और ये इंफॉर्मेशन को रोकने के लिए पहले से चला आ रहा है कि यहाँ पे इंटरनेट हमें प्रोवाइड नहीं करना. एक्स फाटा में जो फॉर्मर फाटा में जो इस वक्त इंटरनेट नहीं है, उसकी वजह यह है कि वहाँ पे पहले से बंद किया हुआ था सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से कि इंटरनेट वहाँ पे नहीं प्रोवाइड किया गया. बलोचिस्तान के बहुत से इलाकों में भी यही मसला है, और आई थिंक ये वही है हमें जो आसिम भी जहाँ बात कर रहे थे कि वी विल हैव टू रीथिंक द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर कंट्रीज एंड आवर सोसाइटी एट लार्ज, कि हमारी प्रायोरिटीज क्या रह चुकी हैं आज तक, हमें उन्हें रीथिंक करना पड़ेगा. और हम लोगों को इस डेमोक्रेसी में हम ये समझने के बजाय कि ये जो जमहूरियत के अंदर लोगों का हिस्सा होना चाहिए, हम उल्टा लोगों लोगों को चलाते हैं. लोगों को ये मुल्क चलाने के बजाय हम कह रहे हैं कि हम आपको चलाएंगे और हम आपको बताएंगे कि कैसे ये होगा. एंड वही अथॉरिटेरियन जो आप कह रहे हैं, उसी रवैये के साथ ये चीजें पहले भी चलती आई, और अब दोबारा जब हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल भी कर सकते हैं फॉर एजुकेशन फॉर अदर पर्पसेस, तो वही हमारे जो माजी के फैसले हैं वो हमारे रास्ते में आ रहे हैं. दुनिया भर में शायद हर जगह ये हालात नहीं है, और ये आई थिंक टेक्नोलॉजी, डेमोक्रेसी, एजुकेशन, ये तीनों सवालात इस वक्त बहुत ऊपर के ये भी सामने आ रहे हैं अलॉन्ग विद ग्लोबल और पॉपुलेशन हेल्थ, कि टेक्नोलॉजी और डेमोक्रेसी का रिश्ता फ्यूचर में क्या होगा. क्या वो एक अथॉरिटेरियन रिश्ते में तब्दील हो जाएगा, या फिर वो एक इस तरह का रिश्ता बनेगा जहाँ पे इसमें पार्टिसिपेटरी हो सके टेक्नोलॉजी, क्योंकि बाय डिजाइन तो टेक्नोलॉजी इट्स नॉट पार्टिसिपेटरी. It's how you decide what you do with it and how you restrict it or you allow people to use it, jo ke phir aapka ek tarah se tayyun karta hai ki us technology ka istemal logon ki zindagi mein kya hoga. Aur isi pe matlab I would like to reference to these things I read about a couple of days ago, jisme bahut se aise mumalik hain jinke andar technology ka istemal, jaise China mein khaas taur pe technology ka istemal jo hua hai wo bahut hi authoritative hua hai, कि आपके जो आपकी मोबिलिटी है, आप कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं, कैमरास के जरिए उन सब के लिए सब सर्वेलेंस और ज्यादा टाइटर हो चुकी है. और उसी के साथ साथ जो बाकी हमें मुल्क नजर आते हैं उनका रवैया चाइना की तरह नहीं था. चाइना के साथ ही जो ताइवान है जिसको WHO कंसिडर भी नहीं करता, और ना वो उनकी मीटिंग्स में जा सकते हैं, उसके अंदर उनको शामिल नहीं किया जाता, बट दे हैव हैड वन ऑफ द बेस्ट रिस्पॉन्सेज टू दिस, एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ द डेमोक्रेटिक यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. ताइवान डेल्ट विद इट मच बेटर देन सिंगापुर लेट्स से, और इवन साउथ कोरिया. साउथ कोरिया ने भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया बट डिफरेंटली. साउथ कोरिया ने अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी इंक्रीज की, उनका मेन इस्तेमाल ये था कि उन्होंने टेस्टिंग कैपेसिटी इंक्रीज की, और उनकी जो बायो लैब थी वो उनका इतना ज्यादा एडवांस्ड था टेक्नोलॉजिकल सिस्टम इन रिगार्ड्स टू हेल्थ केयर सिस्टम, दैट दे वर एबल टू प्रोड्यूस इनफ टेस्ट फॉर पीपल टू बी टेस्टेड मैसिवली, जिसकी वजह से वो रोकथाम करने में कामयाब हुए किसी हद तक. इसके साथ साथ उन्होंने जो पहले 2015 का जो आउटब्रेक था उसकी वजह से उन्होंने अपने जो लॉज थे अबाउट डेटा प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन वो तब्दील कर दिए थे, जिसकी वजह से वो बड़े आराम से लोगों की जो इंफॉर्मेशन है वो ले सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं. वाइल ऑन द अदर हैंड इन यूरोप, बिकॉज ऑफ द इंडिविजुअल लिबर्टीज की जहाँ पे बात चलती है काफी ज्यादा, वहां पर वो रियासतें शायद उस तरह से नहीं सर्वेल कर सकी. एंड दिस इज नॉट टू से कि मैं किस साइड को फेवर कर रही हूँ, बट दिस इज जस्ट समथिंग आई एम शेयरिंग. Taiwan, on the other hand,
allowed public to participate in this whole operation. उधर लोगों ने खुद apps बनाई हैं कि हम travel करके आए हैं, हमें corona है, हम आपको बताते हैं हम इधर इधर गए थे. तो bottom up information sharing हो रही थी वहाँ पे. टॉप डाउन कंसल्टेशन हो रही थी कि वो नीचे तक कंसल्टेशन करेंगे और बॉटम अप इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट हो रही थी और पार्टिसिपेशन हो रही थी. क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ हम लोगों को इंटरनेट के करीब ही नहीं लगने दे रहे कि ये ना हो कि ये हम बता दें कि इधर होता क्या है इस इलाके में, तो उधर ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है. एंड आई थिंक दिस इज समथिंग वी रियली नीड टू थिंक अबाउट कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारी रियासत और हम खुद किस तरह कर रहे हैं. क्या वो सिर्फ और सिर्फ सर्वेलेंस, अनविलिंग सर्वेलेंस हो रही है, नॉन कंसेंशुअल सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, या उसके अलावा भी इसका कुछ इस्तेमाल हो सकता है. अभी भी जैसे जो गवर्नमेंट डेटा, पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी डेटा जो है वो ले रही है लोगों का, चौथाई लैब्स का, जैसे हमें पता चला कि वो गवर्नमेंट के साथ डेटा शेयर कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले कोई प्लान गवर्नमेंट को, रियासत को ये लगा कि बस हम कर लेते हैं, इससे कोई पब्लिक को इस पे बताने की ज्यादा इस पे बात करने की भी जरूरत नहीं है. तो विलिंगली जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग का प्रोसेस है वो हम शुरू कर ही नहीं सकते, ना ही कर सके हैं, जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है. अब डॉक्टर्स का जिस तरह से कह रहे थे कि जो आज हुआ, उसमें भी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि डॉक्टर्स खुद अपनी लिमिटेशंस बताएं, गवर्नमेंट उसको एड्रेस करे, डॉक्टर्स ऑर्गेनाइज करें, उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, उसमें हमें पता चले किस इलाके में डॉक्टर्स को क्या मसाइले हैं, एजुकेशन में भी कहाँ पे क्या मसाइल हैं, कैसे बैंडविड्थ इंक्रीज की जा सकती है. बहुत से मुल्कों में ये हुआ है जहाँ पे मसाइल आ रहे थे स्पेशली इन रिगार्ड्स टू एजुकेशन, वहाँ पे बैंडविड्थ इंक्रीज की गई, वहाँ पे इंटरनेट तक रसाई लोगों को प्रोवाइड भी की गई, बट सैडली दोज आर नॉट आर प्रायोरिटीज एट ऑल. जिसकी वजह से इस वक्त हमें नजर आ रहा है कि स्टूडेंट्स तालीम हासिल करने से बिल्कुल भी वो नहीं हासिल कर सक रहे, खास तौर पे वो लोग जो कि फाटा या बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रहते हैं, उन तक रसाई नहीं है. और ये हमारे यहाँ कभी डिजिटल टेक्नोलॉजी के एक्सेस को एक बेसिक फंडामेंटल राइट समझा नहीं गया, राइट टू इंफॉर्मेशन को कभी भी समझा ही नहीं गया कि ये हर इंसान का हक है कि उसके पास इंफॉर्मेशन हो, उसके पास एजुकेशन हो, इंफॉर्मेशन हो. और ये उसी के असरात हैं जैसे आसिम ने कहा कि ये लार्जली हमारा जो सिस्टम आज तक रहा है और जिस तरह हम ऑपरेट करते रहे, हमारे जो वैल्यूज और प्रिंसिपल्स रहे हैं, ये उसी सिस्टम की निशानदेही है कि हमें नहीं लगता कि हर एक के पास इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है, जिसकी वजह से हम इंटरनेट नहीं देते सबको, और ये उसी की एक तरह से अक्कासी करता है. थैंक यू सो मच. आई थिंक एक काफी इंटरेस्टिंग एनालिसिस आपने प्रेजेंट किया, पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू ये जो टेक्नोलॉजी या इंटरनेट को एक सॉर्ट ऑफ प्रिविलेज की तरह ट्रीट करना. और ऑब्वियसली बिकॉज इसके साथ काफी ज्यादा पावर एसोसिएटेड है लोगों को. जब एज वी जनरली से कि नॉलेज इज पावर, तो ये डेफिनेटली एक एस्पेक्ट है. ऑल्दो मेरी एक होप डेफिनेटली है कि जो ये टेक और स्पेसिफिकली ऑनलाइन स्पेसेस की तरफ एक्सेस है ये बढ़ेगा, और ये विद टाइम ग्लोबली बढ़ेगा. जो इसका रिस्ट्रिक्शंस जो इस पे इम्पोज्ड है बाय स्टेट्स वो ऑब्वियसली प्रॉब्लमैटिक हैं, बट टेक्नोलॉजी हैज़ टू गेट बेटर. और once it does get better or and it becomes cheaper, तो ये इसका स्पेक्ट्रम बढ़ता जाएगा. और एक लिहाज से पाकिस्तान एक बेटर प्लेस सिचुएशन में है क्योंकि यहाँ स्मार्टफोन अडॉप्शन काफी हाई है. यहाँ लोगों के पास इंटरनेट का एक्सेस रिलेटिवली है और लोग अब इस्तेमाल करने की तरफ जा रहे हैं. बट मुझे लगता है मेरे लिए नेसेसरी है मैं ये भी मेंशन करूं कि कुछ दुनिया के इलाके हैं जहां इंटरनेट को बंद स्पेसिफिकली इस मोटिवेशन से किया गया कि लोगों की ऑर्गेनाइजिंग को रोका जाए और लोगों के एक्सप्रेशन को रोका जाए और लोगों की इंफॉर्मेशन के को जो डिसेमिनेट करना चाहते हैं उसको रोका जाए. दिस इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू से कश्मीर इज एट द सेंटर ऑफ दिस. सो जहां कश्मीर में तो लॉकडाउन कोरोना वायरस से बहुत पहले से चल रहा था, वो कंटिन्यू हो रहा है. और राइट नाउ क्योंकि दुनिया की नजरें भी उधर नहीं है, तो हमें कोई आइडिया नहीं है कि वहां इस वायरस का क्या इंपैक्ट हो रहा है. और अभी हमें कोई उसका जल्द कुछ उसके बारे में पता भी नहीं चलेगा. बट जहां तक कि आपने सर्वेलेंस की बात की, आई थिंक आसिम की तरफ भी हम
इसी क्वेश्चन के साथ आते हैं कि जो सर्वेलेंस में एक बहुत बड़ा रोल है वो सर्वेलेंस में एंड कीपिंग पीपल इन साइलोस वो गवर्नमेंट्स का नहीं, वो तो मेजर टेक कंपनीज का है. और इसमें ऑब्वियसली वो प्लेटफॉर्म्स भी आती हैं जिनको हम करंटली इस्तेमाल कर रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म्स आती हैं जिनको हम अब कंसिडर करते हैं बेसिकली इंफॉर्मेशन के और डिस्कशन के और पॉलिसी के प्लेटफॉर्म्स, जैसे ट्विटर हो गया या फेसबुक हो गया. अब इनमें कुछ प्लेटफॉर्म्स रिलेटिवली बेहतर हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स आपके साथ कंसल्टेशंस चाहती हैं और वो चाहती हैं एक कम्युनिटी बनाए, और कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको एक पर्टिकुलर ग्रुप में बबल में रखना चाहती हैं और उसमें डिसइंफॉर्मेशन का भी बहुत बड़ा एस्पेक्ट आता है. तो अगर डॉक्टर आसिम आप जरा इस पे बात कर सके कि पहले तो टेक्नोलॉजी का यूज इसमें जो ऑर्गेनाइजिंग हो रही है, तो पर्टिकुलरली हमने जो देखा आउट ऑफ दिस कोरोना वायरस पेंडेमिक कि म्यूचुअल एड का जो कॉन्सेप्ट है और जो लोगों की ऑर्गेनाइजिंग है थ्रू whether it be WhatsApp groups or through Facebook or informational videos, ये इसमें एक बहुत मतलब एक ट्रेंड की तौर पे ये फैल गया. और तो एक तो ऑर्गेनाइजिंग कैसे बदल रही है और जिन पैराडाइम्स में ये ऑर्गेनाइजिंग बदल रही है उस पे भी थोड़ा कमेंट करें. या आई मीन इसमें तो कोई देखिए मुझे लगता है कि इस अगेन बोरान ने एक चीज वाजे किया है के और चूंकि अब आपको हिदायत भी यही है अगेन जिनके पास ये रसाई है कि वो घर बैठे और वो बाहर ना निकलें, तो ये एक बड़े पैमाने पे ये एहसास हुआ है कि एक पब्लिक एग्जिस्ट करता है जो कि उस तरह हमारे फिजिकल पब्लिक के तसव्वुर से मुख्तलिफ है. ये हमेशा ये था और रहा है, पिछले 15-20 साल से ये बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन आज जिस अंदाज में वो वाजे हुआ है पिछले चंद हफ्तों के दौरान, शायद पहले इसका हमें उस तरह हम उसको गहराई से सोच नहीं रहे थे कि एक पब्लिक है. हम मतलब जगह जगह से दुनिया में लोग अपने स्क्रीन्स, अपने फोन्स, अपने लैपटॉप्स, जिस चीज के जरिए उनके पास रसाई है इंटरनेट तक, वो दूसरों से जुड़ रहे हैं, वो रابطे कायम कर रहे हैं. अब जहां इसने बहुत सारी इस तरह की चीजों को जाहिर किया, ऐसी कोशिशों को, ऐसे इज्तमाई मतलब एफर्ट्स को जाहिर किया जिसका भी हवाला आया, जिसमें हमारे खुद भी पार्टी के दोस्त शामिल हैं, पाकिस्तान भर में हैं, दुनिया भर में हैं, वो अपनी जगह. और ये हर टेक्नोलॉजी में ऐसा हमने तारीख में देखा है कि जो टेक्नोलॉजी को चलाने वाले या उसको बुनियादी यानी उसको एक खास डायरेक्शन देने वालों का क्या मकसद था, लेकिन उसके अंदर से अवाम ने उसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया. मेरा ख्याल है कि जहां हम बुनियादी तौर पे हम ये समझते हैं जैसे तूबा ने कहा कि खास तौर पे उन खित्तों और उन इलाकों में जहाँ पे हमेशा यानी कि रियासती कंट्रोल रहा, कश्मीर का हवाला है, हमारे यहाँ बलोचिस्तान की बात आती है या कबायली अजला की बात आती है, बहुत सारे ऐसे गिलगित बल्तिस्तान की बात आती है मिसाल के तौर पे, जहाँ पे बहुत ज्यादा इस पैंडेमिक का मसला काफी खौफनाक हद तक फैल रहा है, देहातों की बात, आम देहातों की बात आती है, तो ये तो एक साफ जाहिर है एक मुतालबा हमारा बनता है कि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक मौका मिले, खासतौर पर ऐसे मौकों पे कि वो इस डिजिटल पब्लिक, एक ग्लोबल डिजिटल पब्लिक का हिस्सा बने, वो अपनी आवाज भी वहां पे बुलंद कर सकें, वो अपनी मर्जी से जुड़ भी सकें, वो इज्तमाही कोशिशों का हिस्सा भी बन सकें. लेकिन इस ग्लोबल डिजिटल पब्लिक का जैसे अभी बात हुई, जो सबसे ताकतवर कुवतें वो उन कंपनियां हैं जिनके प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे नफ्सियात को मुतासर करते हैं, जो हमें इश्तियारात दिखाते हैं, जो हमें बेगानगी की तरफ भी लेकर जाते हैं, अशिया खरीदने की तरफ भी लेकर जाते हैं. अगर वापस जाएं उस बात पे जहां से हमने शुरू किया था, मेरा ख्याल है ये जो तेजी है ना इस दुनिया की, सरमायादाराना दुनिया की, इस बौरान ने इतना झटका दिया है कि सबको जाहिर है अब जो भूख से मर रहा है उसको तो शायद ये एहसास होगा नहीं होगा, और मैं समझता भी नहीं हूं कि उसको होना चाहिए, वो तो अपनी भूख अपने पेट को पालना चाहते हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को, और ये तालीम की बात से जुड़ती है, ये एक अलमिया है ना, वो जो पढ़ा लिखा इंसान है, नौजवान है, जो अब बलोचिस्तान या फाटा से ताल्लुक रखता है, जो मुतालबा कर रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस वाला धंधा छोड़ दें, उसकी मजबूर वो अपनी मजबूरी समझता है, क्योंकि उसको लगता है अगर मेरा सेमेस्टर जाया हो जाएगा तो पहले से मेरे माँ बाप ने कितनी मुश्किलों से मुझे पैसे खर्च करके मुझे डिग्री लेने के लिए, मतलब इस रैट रेस में ना, इसको
इस दौड़ में डाला है ताकि मैं भी कुछ अपने आप को बना सकूं, यही है ना वो नफ्सियात जिसकी वजह से आज हम इस मुसीबत में फंसे हुए कि हर बंदे को लगता है कि मैं दूसरे से ज्यादा तेजी तेज भागूं, मैं अगर सेमेस्टर जाया करूंगा तो दिस इज व्हाट्स मोटिवेटिंग कि ये ना हो। तो मैं ये समझता हूं जहां पे ये बुनियादी जो एक एक इंस्टिंक्ट है, जो एक हमें आज जो हमें चीजें तजादात नजर आ रही हैं उन पर बोलने का एक मतलब हमारे अंदर एक जज्बा पैदा हो रहा है, हम उसके एक जो छुपी हुई चीज है उसको भी हम समझें। एक तो जैसे अभी शाहजेब ने बात की कि वो जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वो जो कंपनियां हैं, वो किस तरह हमारी नफ्सियात को शेप करती हैं, कैसे हमारे पसंद नापसंद यानी कि किस चीज के साथ जुड़ना न जुड़ना, मेरे नजदीक मेरे हमारे हलके के लोग, हमारे पार्टी के लोग या हमारे जैसे लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये वो मौका है कि हम आज अब कोशिश करें कि हम भी अपने अपने बंद डब्बों से निकले। हम भी अक्सर मैंने तो उसको एक जुमला बना दिया कि हम वी आर ऑफ्टन एंगेज्ड इन अ कंपटीशन ऑफ ऑपरेशंस, कि ये मेरा हलका मेरा ग्रुप मेरा ग्रुप ज्यादा और एक दूसरे से नहीं। आज एक यूनिवर्सल मोमेंट है, एक आलमी बहरान है भाई, ताकतवर लोग हुक्मरान साम्राज्य ममालिक सब जो है ना उनका वो जो दौड़ है वो उनको मजबूरन रोकनी पड़ी। जहां जाहिर है हम सबसे जो सबसे पीछे होता है, जो सबसे पीछे से कैचअप करने की कोशिश करता है, वो चाहता है कि वो बहुत पीछे ना रह जाए, लेकिन हमें ये भी सोचने की जरूरत है कि ये प्लेटफॉर्म्स हों, ये कंपनियां हों, ये पूरी दौड़ की बात हो, इसके अंदर इस वक्त हम एक ऐसी इमेजिनरी भी लेकर आए, एक सोच लेकर आए। जरूरी नहीं है कि अभी ही होगा ऐसे, जरूरी नहीं है कि ये ऐसा होगा कि आज हमारे इन चीजों पर बात करने से ये सर्वेलेंस और टेक कंपनियां और रियासतों की एक ताकत खत्म होगी, बल्कि जो हमने शुरू में बात की कि एक रुझान ये बढ़ रहा है कि हम खुद लोग रियासतों को कह रहे हैं कि हाँ डंडा चलाओ, हाँ लोगों को मजबूरन बंद करो, मतलब उनको मजबूर करो कि वो बाहर ना निकले, क्योंकि इससे खौफ पैदा होता है ना कि आपको भी ये इस वबा का आप शिकार हो सकते हैं। तो ये सब कुछ होगा, ये हमें नजर आ रहा है कि ये हो रही है चीजें होंगी, लेकिन इस बहरान ने एक वक्त के लिए, और ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये एक मुख्तसर वक्त है, जब झटका लगता है किसी समाजी निजाम को, आपकी नफ्सियात को, आपके शऊर को, तो वो जो बात जब आपने शुरू में की थी ना कहीं ख्वाहिश होती है, जरूरत होती है, मजबूरी होती है कि लोग कहते हैं नॉर्मल बहाल हो, एक नॉर्मल बहाल होगा, वो कब होगा और वो किस शक्ल में होगा मुझे नहीं लगता इस वक्त कि वो इतना भी मुख्तलिफ होगा उस चीज से जिसको आज से चंद हफ्ते पहले एक तरह ब्रेक लगी। लेकिन ये जो पीरियड है, जो वक्त है सोचने का, ये कम से कम हमारे जैसे लोगों को जुड़कर इस ग्लोबल डिजिटल पब्लिक के जरिए, जो कि है किसी और का प्लेटफॉर्म लेकिन उस पर हम इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं, सिर्फ इस्तेमाल नहीं ये भी आज से सोचना शुरू करेंगे कि इसके मंतक से हम तजावज कैसे करेंगे आने वाले कल। आज नहीं, आज हमारे पास शायद वो सलाहियत नहीं है, ताकत नहीं है, लेकिन आने वाले कल। और जिस जो मैं समझता हूं जो हमारे जैसे लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जो इस डिजिटल पब्लिक का हिस्सा नहीं है, जिनकी हम बात कर रहे हैं, हाँ हम जरूर मुतालबा करें कि उसका उनको हिस्सा बनाया जाए, लेकिन विद अ कैवियट, हम उनको एक और इस चूहे वाले दौड़ में एक और चूहा नहीं बनाना चाहते अपनी तरह, हम इस चूहे की दौड़ को खत्म करना चाहते हैं, हम कुछ इसके बदले कुछ और तसव्वुर इंसान के जुड़ने के, कायनात के, समाज के, रियासत के। और ये हो सकता है लोगों को लगता हो कि ये हवाई बात है, लेकिन ऐसे मौकों पे तो मतलब इन इस तरह की चीजों के बारे में सोचा जा सकता है। चलें अगर हम बड़ी बड़ी चीजें सोचेंगे उस तक न भी पहुंचे तो उसके आधे मतलब उसका आधा फासला भी तय कर लें, तो मेरा ख्याल है कि ये एक आने वाले कल के लिए एक बहुत एक मतलब यही इसके अगर देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग तो यही है कि हमें बहुत सारी चीजें सोचने के मौका का मौका मिल रहा है, और यही मैं समझता हूँ कि इसमें से जो कुछ हम हासिल कर सकते हैं, इस तबाही और बर्बादी और लोगों के भूख और नंग और बीमारी एक जगह, लेकिन अगर इस निजाम से हम कोई आज सोचना शुरू करें तजावज कैसे किया जाएगा, आज हम नहीं कर सकते, आज शायद हम लोगों को निजाम के अंदर किसी हद तक मजीद लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो बिल्कुल ही जलील व ख्वार ना हो, लेकिन कल के लिए
کہ اس ایک اور طرح کا ایک اجتماعی اور بائی دا وے یو نو دس از دی ادر تھنگ آئی تھنک اور یہ بہت سارے لوگوں نے کہا ہے یہ کووڈ جو ہے نا کووڈ 19 یہ شاید پہلی بار ایک ایسا ہوا ہے لیکن اندیشہ یہ کہ ایسے بار بار ہوگا میرا تو خیال یہ تھا آج سے کئی اگر سال پہلے میں سوچتا کئی مہینے پہلے میں سوچتا میں مجھے لگتا تھا کہ یار یہ کوئی ماحولیات کی وجہ سے اس طرح کی کبھی کیفیت بنے گی ہمارے ذہن و گمان میں شاید یہ نہیں تھا کہ ایسے ہوگا لیکن اب ہمیں پتہ ہے کہ ایسے نہ صرف ہوا ہے مزید ہو سکتا ہے جب تک کہ ہم ایسی چیزوں کو تصور نہ کرنا شروع کریں کہ اس نظام کے منطق سے اس کے دور سے کیسے ہم نکلنا شروع تو زیادہ سے اس وقت میں سمجھتا ہوں جس جو بھی اس ڈیجیٹل پبلک پہ اس کے دماغ کو آپ بمبارڈ کریں ایسے آئیڈیاز سے کہ وہ کم از کم سوچنے پر مجبور ہو کہ ہماری جو انسٹنکٹ ہمیں بتاتی کہ ہم اس کا حصہ بنیں ضرور کسی حد تک یہ بات صحیح ہے اس کا حصہ بنتے ہوئے بھی اس کو تجاوز کرنے کے بارے میں آج سے سوچنا شروع کریں Definitely, definitely. Actually, تو مجھے لگتا ہے آپ نے درست کہا کہ سوچنا ضروری ہے اور سوچنے کے لیے اب موقع بھی ٹھیک ٹھاک مل رہا ہے لوگوں کو کیونکہ اب گھر پہ اگر وہ بیٹھ سکتے ہیں تو وہ بیٹھ رہے ہیں انفارچونیٹلی ہم ریئلائز کرتے ہیں کہ بہت لوگوں اس کمفرٹ میں نہیں رہ سکتے کہ وہ بیٹھیں گھر اور لوگوں سے آئیڈیا شیئر کر سکیں اور ہماری کوشش تو جاری رہے گی کہ ہم ان کی مدد کریں اور جس طرح ہم آرگنائز کرتے آئے ہیں اسی حساب سے بٹ دس از ٹرو اور اصل میں مجھے تو لگتا ہے یہ بھی کہنا ضروری ہے کامنٹس میں بھی یہی آ رہا ہے کہ لوگوں کو ایک تو بہت اچھا لگ رہا ہے آسم آپ کو سن کے کافی عرصے بعد اور پرٹیکولرلی جو آپ یہ کانٹیکٹس دے رہے ہیں نا کہ سوچنے کا یہ ایک موقع ہے اور وہی جو ریٹ ریس ہے اس میں ساتھ ساتھ مطلب وہ بھی اس کا ایک حصہ ہے بٹ سوچنا بھی اس کا ایک ایسپیکٹ ہے تو بڑے مس یو کے میسیجز آ رہے ہیں تو آئی تھنک اگر آپ ہاں موجود بھی ہوتے تو ایک اس کا پرٹیکولر امپیکٹ ہوتا تو میں نے کہا بس میں فلیگ کر دوں یہ کیونکہ اس پہ کامنٹ کریں آئی تھنک کیونکہ اب ہم ذرا کنکلوژن کی طرف ہی جا رہے ہیں اس بات پہ تو ایک بات جو مجھے لگتا ہے امپورٹنٹ ہے ٹو ہائی لائٹ کہ لیٹس سے فار ایگزامپل کہ جو یہ ٹیکنالوجی میں ہم چاہتے ہیں لوگ انٹرگریٹ ہوں ان کو آن لائن اسپیسیز ملیں لیٹس سے کہ وہ ہم لوگوں کو دے دیتے ہیں ہم ان کو کمپلیٹ ایکسیس دے دیتے ہیں ٹو دیز آن لائن اسپیسیز ٹو دیز پلیٹ فارمس جہاں تک میں کرنٹلی دیکھتا ہوں سیناریوز چاہے وہ پاکستان میں ہوں چاہے وہ ریجنلی ہوں یا گلوبلی ہوں جیسے گورنمنٹس کا بھی رجحان تھوڑا رائٹ ونگ اتھارٹیرین ہے تو آن لائن اسپیسیز بھی ایک بہت دے آر ڈیفیکلٹ ٹو نیویگیٹ ایسا نہیں ہے کہ جو انفارمیشن آن لائن موجود ہے یا ٹیکنالوجی کے تھرو آپ کو جو ایکسیس ملتا ہے وہ بیسکلی آپ کو ایک ان بائسڈ یا آپ کو ایک نیوٹرل پوزیشن دیتا ہے وہاں بھی فورسز ایٹ ورک ہیں جو آپ کو ایک سے دوسری جگہ پل کر رہی ہیں تو اس پہ بھی اوبیسلی ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے اور اس کے لیے بہت بہت ایک ماس اسکیل پہ آرگنائزنگ ضرورت ہے جو مجھے سرٹنلی لگتا ہے کہ لیفٹ پالیٹکس یا لیفٹ کی جماعتیں نہیں کر سکیں ایز افیکٹولی ایز لیٹس سے دا رائٹ ونگ تو بٹ ایکچولی اس در ہمیں ایک بہت اچھا موقع ملتا ہے کہ ہم آن دا گراؤنڈ جو کام ہو رہا ہے اس کو دیکھ سکیں تو توبا اگر آپ بھی اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں اور ذرا یہ بھی بتائیں کیونکہ آپ نے آن لائن آرگنائز کیا اور میں تو جو جس حد تک اس آرگنائزنگ کا حصہ رہا مجھے لگتا ہے کہ بینگ ان دس ڈیجیٹل ایج بینگ ان دس انفارمیشن اوور لوڈ ایج ہمارے برینز آر سارٹ آف انکیپیبل آف پروسیسنگ تھاؤزنڈز آف واٹس ایپ میسیجز ایوری ڈے فرام ڈفرنٹ پیپل اینڈ پھر ان میسیجز کو ٹرانسلیٹ کرنا انٹو ایکشن تو یہ جو آن لائن آرگنائزنگ کا جو میوچل ایڈ کا ایکسپیرینس ہے یہ کیسا رہا ہے اور ہاؤ ڈز اٹ ایکچولی میک یو فیل ضروری ہے کہ ذرا ہم انڈرسٹینڈ کریں کہ اس سے کیا فیلنگس جنریٹ ہوتی I think one thing تو اس میں یہ ایک چیز تو یہ ہے نا کہ آپشن نہیں ہے آپ کے پاس اسپیشلی وین یو آر اسٹک ایٹ ہوم ون وے یو کین آرگنائز اور ڈو تھنگز از آن لائن which I am really glad کہ ایٹ لیسٹ یہ ایک راستہ پھر بھی کھلا ہوا ہے جس کے ذریعے ہو رہی ہیں لیکن اس کے اندر آئی تھنک بات صرف ٹیکنالوجی کے استعمال تک میرے لیے
जब मुझे ये जब मैं लेफ्ट का सोचती हूँ या मैं सोचती हूँ कि लेफ्ट कैसे टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि लेफ्ट का रोल सिर्फ टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने में नहीं होना चाहिए, बल्कि उस टेक्नोलॉजी के डिज़ाइन और उसके प्रोडक्शन में भी होना चाहिए, जो कि इंटरनेशनली हमें नज़र आता है कि ऐसे बहुत से तंजीमें भी हैं, एनोनिमस खुद एक्टिविस्ट ग्रुप्स भी हैं जो ये करते हैं, पर हमारे साइड पर ये अभी तक नहीं पहुँचा. I think ye, this is also something that we need to look at in the longer run, that how we can equip ourselves with more tools to change how technology is designed in the first place. And I think other than that, jo filhal ek bahut bada jo technology ka hame ek tarah se fayda hua hai online social media ka, not technology as such but particularly social media, that we see a lot of young people trying to do things on their own, coming forward, जिसमें आपको ये fundraising की opportunities आप देख रहे हैं कि कितने लोग कर रहे हैं, जिनका ज़रूरी नहीं है किसी सियासी तंजीम से रिश्ता हो, ज़रूरी नहीं है वो एक particular ideology से ताल्लुक रखते हों, but they're doing these things. They're very young teenagers who've managed to raise a lot of money and, you know, support a lot of people in these times. And I think this is the time when we can talk about why this is important, because this shouldn't just ye jo madad karne ka ek concept hai ye shayad sirf ek place of empathy se nahi aana chahiye, balki ye aapki political positions honi chahiye ki ha yahi to hai jo ki samaj ko hona chahiye, aur state ka jo pura ek rational hota hai ki logic ki base pe chale ki how to center care is samaj aur system ke andar, kyunki hum bahut zyada वक्त अपना लॉजिक और यू नो रैशनल होने में लगा देते हैं, और स्टेट का लॉजिक भी वही होता है व्हेन डीलिंग विद द पीपल, के वो लॉजिक ये है इंस्टेड ऑफ सेंटरिंग द एथिक्स ऑफ केयर. एंड आई थिंक दिस इज द मोमेंट व्हेन वी कैन एक्चुअली यू नो थिंक अबाउट दैट ह्यूमन कनेक्शन डिस्पाइट इट. एंड इट्स वेरी आयरन, इट्स वेरी यू नो कॉन्ट्रडिक्टरी के एक तरफ एक सोशल डिस्टेंसिंग, ह्यूमंस जिनको ट्रेडिशनली कहा जाता है कि सोशल एनिमल्स है, उन पर सोशल डिस्टेंसिंग चाहते हुए ना चाहते हुए इन्फोर्स हो गई है, लेकिन उस मोमेंट में जो सॉलिडेरिटी की पॉसिबिलिटीज है और जो रीथिंकिंग और रीनैरेटिवाइजेशन की पॉसिबिलिटीज हैं, आई थिंक दे आर इमेंस. इट्स हाउ यू कैन कनेक्ट टू द वर्कर्स ऑफ योर सिटी नाउ, हाउ यू कैन कनेक्ट टू द पीपल हु हैव बीन रनिंग योर सिटीज, रनिंग योर कंट्री, रनिंग द एंटायर वर्ल्ड, पर्टिकुलरली वो उनके साथ जो इस मौके पे सॉलिडेरिटी का एक हम कह सकते हैं जो एक एवेन्यू खुला है, वो शायद पहले कभी इस तरह नहीं खुला है. एंड वी कैन यू नो इंस्टेड ऑफ अ इमोशन ऑफ एम्पैथी, इट कैन बिकम अ लॉट मोर लार्जली द बेसिस ऑफ योर एंटायर पॉलिटिक्स एंड दिस वर्ल्ड, जिस पे आप शायद इस दुनिया को री इमेजिन कर सकते हैं उन्हीं लाइंस पे, कि क्या क्या वजह है कि आज हम में से कुछ लोग अपने हेल्दी स्नैक्स और वर्कआउट रूटीन्स की बात कर रहे हैं, जबकि अ मेजर पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री एंड दिस वर्ल्ड कैन नॉट इवन अफोर्ड अ मील. सो ये क्या वजह है कि मैं इस काबिल, हम में से कई इस काबिल हैं कि हम जाके खाने दे सकते हैं, अपना भी पूरा कर सकते हैं और समाज में और भी शायद हजारों घरों को दे सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि सिर्फ अपने घर के दो अफराद का, कुछ के अफराद का पेट नहीं पाल सकते. सो आई थिंक दिस गिव्स अस दैट अपॉर्चुनिटी कि हमें एक समाज की जो हकीकत है, जो आज तक ये सिस्टम जो है, जो निज़ाम है समाज का, उसको बहुत खुल के देखने का, समझने का एक मौका है, और फिर उसको रिक्रिएट करने का और तब्दील करने का भी मौका है, जो कि आसिम ने जैसे कहा, इट्स नॉट समथिंग वी कैन डू क्विकली, बट इट्स डेफिनेटली समथिंग वी कैन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट. एंड दिस हैज गिवन अस दैट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज नाउ वी कैन क्लियरली सी हु इज डाइंग ऑफ स्टार्वेशन, हु सफर्स इन द एंड, एंड इट डजंट मैटर कि काम कौन कर रहा है और काम कौन नहीं कर रहा. अभी हम में से कोई काम नहीं कर रहा, उसके बावजूद कुछ लोग, जो ये एक लॉजिक है ना, न्यू लिबरल लॉजिक, जब आप मेहनत करते हैं तो आप आगे बढ़ जाते हैं, इस वक्त कोई मेहनत नहीं कर रहा, पॉसिबल नहीं है वो मेहनत, उसके बावजूद कुछ चल रहे हैं और कुछ लोग नहीं चल सकते. तो समाज की बहुत बेसिक कॉन्ट्रडिक्शन जो इस सिस्टम की हैं, वो बहुत खुल के हमारे सामने आई हैं, एंड आई थिंक इट्स टाइम टू मीनिंगफुली इंगेज विद देम एंड ट्राई टू यू नो थिंक व्हाट द न्यू नॉर्मल वुड लुक लाइक, बिकॉज दिस वॉज ओनली नॉर्मल, दिस नॉर्मल दैट वी आर ट्राइंग टू रिटर्न वॉज ओनली नॉर्मल फॉर a very few of us. It's not the normal for everyone. It was never the normal. So now that new normal, what it can look like, I think this presents us an opportunity to think about the new normal. Okay.
थैंक यू तूबा. एक्चुअली मुझे लगता है एक सॉर्ट ऑफ इस यू नो डिस्टोपियन वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी का जहाँ एक यूटिलिटी है और यूज है, तो टेक्नोलॉजी ऑल्सो फाइट्स बैक. तो जैसे ही हमने जरा टेक्नोलॉजी के बारे में बात करना शुरू भी की, तो अनफॉर्चुनेटली मैं कोई इसमें कंस्पिरेसी नहीं डाल रहा, कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन डेफिनेटली हमारी जो स्क्रीन क्वालिटी है वो गिर गई है, और तो इसका भी ख्याल रखना चाहिए मुझे लगता है. तो आई थिंक बस अब हम क्योंकि कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, आसिम अगर आप थोड़े कुछ कॉमेंट्स ऐड करना चाहें देन बोल रहा. हाँ नहीं, मैं समझता हूँ कि ऐड तो नहीं, अब काफी सारी बात हमारी हो चुकी है. मुझे लगता है कि ये मैं अभी फौरन जो मेरे जहन में आता है वो ये है कि जब भी इस तरह की कैफियत होती है, मुझे लगता है कि जहाँ मगरिब की दुनिया में सो कॉल्ड तरक्की याफ्ता दुनिया में एक झटका लगने के नतीजे में एक खास तरह का रद्द अमल आ रहा है, जो जो कि इसलिए आ रहा है चूंकि वो बौरान के आदि नहीं है, हमारे यहाँ उलट है. हम कुछ बहरान के कुछ ज्यादा ही आदि हैं और बहरानों का इतना हम लपेट में रहते हैं कि हमें हमारे लिए जो इस वक्त सवाल ये है कि एक तो ये है कि हम इस जो अब आने वाले दिनों में मुझे लगता है और जो शुरू भी हो गया कि एक तरह से फटीग और जो थकन और जो ये हमें अब सोचना पड़ेगा कि अब इसके जो असरात हैं, जो दूर रसत असरात हैं, उसके बारे में हम ज्यादा गौर करें, ज्यादा सोचें, ज्यादा कोलिशंस बनाएं ऐसे लोगों को अपने साथ और एक एक समाज के अंदर उन ऐसे बड़ा हलका बनाने की कोशिश करें जो कि शायद पहले हम अपने अपने महदूद हलकों में सियासी जो हमारे कम से कम हलके हैं. मुझे लगता है कि जो बातें हम आमतौर पर करते हैं और लोग अमूमन समझते हैं कि ये कोई बहुत ही ऐसी बात है जो नामुमकिन है, अब बहुत सारे लोग खुद कर रहे हैं ऐसी बातें. तो ये अब एक सवाल है जिस रोज ये भी एक आज दो वाकयात हुए, एक तो क्वेटा में जो हुआ सो हुआ, लेकिन जो अभी मैं देख रहा हूँ कि काबीना में आगे पीछे चेहरे बदले जा रहे हैं और कभी चीनी वाले और कभी गंदम वाले इस वजारत से उस वजारत जा रहे हैं, ये चीज चलती रहेगी और हमें इससे बालातर होके इससे हटकर एक मुख्तलिफ तरह की सियासत, जैसे तूबा ने कहा ना कि दूर रस, एक इस तरह की सियासत जो अभी इतनी फौरी ना हो, क्योंकि हम अक्सर फौरी जो 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 एक जैसे आग बरस रही होती है ना, तो आप चाहते हैं कि आप हर तरह की आग को बुझाएं और ये बहुत ज्यादा एक तवानाई आपकी लेता है. तो मैं समझता हूँ कि खास तौर पे नौजवानों से मैं कहूँगा और नौजवान जो सुन रहे हैं या सुनेंगे कि ये वक्त नहीं है कि हम एक दूसरे को मतलब एक दूसरे पर हावी हों या एक दूसरे को एक कोई आर्ग्यूमेंट करके एक दूसरे को मनवाएं कि जी नहीं मैं सही हूँ या वो नहीं. ये एक ऐसा समाजी बहरान है जो एक बहुत अभी शुरू हुआ है और जो लोग सबसे कमजोर है हमारे समाज में, मेहनतकश लोग जो जो बिल्कुल तबाह हाल होंगे, ये इसके नताइज खौफनाक भी हो सकते हैं, क्योंकि लोग जब बिल्कुल भूखे नंगे प्यासे होते हैं तो जरूरी नहीं कि वो आपके किसी भी, वो तो उनको उन्हें अपना पेट पालना होता है. और हमारे यहाँ जैसे जुमे को आपने देखा तो वो गुस्सा मजहबी जज्बात में भी उसका इजहार हो सकता है. तो ये अब हमें एक तवाजन के साथ एक ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक मतलब कम से कम चीजों पे लाना पड़ेगा और वो ये है कि हम किस तरह की रियासत चाहते हैं और पाकिस्तान के तनाजर में ये जो 70 साल से हम एक खास तरह के नारे लगाकर रियासत की तरजीहात और मैं समझता हूँ सर सिर्फ हमारी रियासत की नहीं, मैं समझता हूँ आज वक्त है इस चीज को सोचने का कि आप अगर देखें ना इस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कुछ जरा भर आपको फर्क नजर आता है हालात में, लोगों के हालात से लेकर सरकार के रद्देअमल में, तो ये दुनिया का एक बहुत बड़ा खित्ता है भाई. 20% अवाम दुनिया के सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान में रहते हैं. तो ये एक वक्त है कि कम से कम हम अपने समाज रियासत की बनावट और खित्ते के बारे में जो हमारे अमूमी तसव्वुरात हैं कि हम ऐसा एक निज़ाम चाहते हैं जिसमें अवाम भूखे नंगे ना हों, जिसमें टैंक तोप और बम
سے زیادہ ہسپتال اور وینٹیلیٹرز اور ڈاکٹرز کو بچانے والی اکوپمنٹس ہوں, جس میں تعلیم ہو, جس میں روزگار ہو. یہ فوراً نہیں ہوگا, لیکن ابھی اگر آج ہم اس طرح کے اپنے ملک کے اندر, اپنے ملک کے مختلف خطوں خاص طور پہ, اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ مشکل کام ہے, کیونکہ ہمیں یہ پہلی بات یہ کہنا پڑے گا کہ کئی لوگ ہمیشہ پیچھے رہے, کئی قومیں ہمارے یہاں مطلب ایک فرق رہا ہے, ایک تقسیم رہی ہے. تو لہٰذا یہ کہنا پڑے گا کہ کون 70 سال سے اس سارے نظام کا بوجھ کون اٹھا رہا ہے. لیکن ساتھ میں یہ بھی کہنا پڑے گا کہ اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم فرق ہیں, ہم ہر صورت میں ہم ایک دوسرے کا اکٹھے نہیں ہو سکتے, ہم اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں اپنے فرق کو تسلیم کرتے ہوئے. یہ ایک مشکل کام ہے, یہ ایک مشکل تصور ہے, لیکن اسی طرح کا ایک کوئی کھلا ڈلا اور ایک آسان ایک تصور بنا کر لوگوں میں لے جانا. اور دیکھیں تبدیلی جو ہے نا, یہ والی نہیں جو ابھی جو کابینہ والی جو آج ہو رہی ہے, جو پچھلے 18 مہینے سے چل رہی, لیکن سماج کی تبدیلی, انقلابی تبدیلی, وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو سب سے اہم پہلو شاید یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک موقع پہ تبدیلی یا انقلابی تبدیلی کے آنے سے بہت پہلے کسی نے کوئی ایک تصور آتی اینٹ رکھی تھی, اور وہ تصور آتی اینٹ نے اپنی جگہ بنا لی اور بہت سارے لوگ اس تصور کے گرد جمع ہو گئے. تو ایک تصور ہمیں ایک سادہ آسان الفاظ میں بنانا چاہیے کہ ہم کس طرح اس ملک کا اور اس خطے کا, چلیں دنیا کا نہ صحیح اس خطے کو ہی دیکھ لیں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس وقت اس تصور کے گرد جمع ہو سکیں. ٹھیک, توبہ, آسم, آپ سب, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنی انٹرنیٹ ڈیوائسز کو صحیح طرح استعمال کیا, کوئی کنیکشن ڈراپ بھی نہیں ہونے دیا, اور آئی تھنک ایک بہت اچھی ہمیں ڈسکشن دی, جو although obviously in circumstances میں تو پاسبل نہیں ہے کہ ایک بہت کمپریہنسو اینڈ ڈیپتھ ڈسکشن ہو, بٹ مجھے لگتا ہے ایک بہت اچھا اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا ٹو جسٹ انڈرسٹینڈ کہ ناٹ اونلی دس سیناریو بٹ جو یہ ٹیکنالوجی کا اس میں رول ہے. تو بس ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ جو دیکھ رہے ہیں لوگ, جو ابھی لائیو دیکھ رہے ہیں اور جو بعد میں بھی دیکھیں گے, ہمارے یوٹیوب چینل پہ ضرور سبسکرائب کریں, اس ویڈیو کو لائک بھی کریں, اور اگر آپ کو پسند آئے گی آف کورس, اور ہماری کوشش ہوگی کہ اس کو ہم اس کام کو ہم امپروو کرتے رہیں اور مختلف پرسپیکٹیوز بھی لائیں. کچھ اور آنے والے دنوں میں اس طرح کی آن لائن لیکچرس کو ہم آرگنائز کریں, اور اپنے کامنٹس میں ضرور اپنی کوئی سجیشنس ہوں, کوئی کامنٹس ہوں آن دا لیکچر سیریز, تو ضرور شیئر کریں. یا تھینک یو سو مچ, اور بس آرگنائز کرتے رہیں اور اپنے آپ پہ بھی کام کریں اور سوچنے کا بھی عمل جاری رکھیں, اینڈ ہوپ فلی جو نیا نارمل ہوگا وہ پرانی نارمل سے بہتر ہوگا. تھینک یو.